रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। और ओके, क्या ग्रेट। अच्छा तो यार गाइस, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जब हमारा लॉकडाउन नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारी जो फिज़िकल क्लासेस हो रही थी तो उसमें हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, फिर .NET फ्रेमवर्क का, इसी तरह से फिर डेटाबेस के हवाले से मैंने कुछ आप लोगों को बताया था, मास्टर ट्रांजेक्शन कन्फिगेशन टेबल के हवाले से, तो वो तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद हमारी लास्ट जो दो क्लासेज हुई हैं उसमें मैंने डिटेल में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह क्या होती हैं और क्यों ज़रूरत होती है उन सब की, और बहुत डिटेल में उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो ये बेस थी आप लोगों की जो बन चुकी है। अब हम सेकंड इस तरह से आएंगे कि हम लोगों ने जो है वो अब अपना टारगेट वेब एप्लीकेशन की तरफ करना है। तो वेब एप्लीकेशन के लिए जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आप लोगों से छोटे छोटे जो है वो सॉफ्टवेयर बनवाऊँ, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कैलकुलेटर बनवा लूँ, नोटपैड बनवा लूँ, जो कि लास्ट सेमेस्टर में जो लोग पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, उन लोगों ने ये सब किया है यूजिंग सी शार्प। मेरे नज़दीक यार ये चीज़ें आप लोगों को डेफिनेटली इस कोर्स में तो आपको हेल्प करेंगी, मगर एज अ प्रोफेशनल कभी भी ये चीज़ें आप लोगों को, फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल जब जॉब पे जाओगे तो ये चीज़ें आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि नोटपैड बना दो, कैलकुलेटर बना दो, ठीक है। तो वही, लेकिन आप जो भी वेब एप्लीकेशन या जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो फंक्शंस वही यूज होंगे जो कि हम पहले जो कि नोटपैड बनाने में या कैलकुलेटर बनाने में या और उससे भी ज़्यादा एनहांस फंक्शन यूज हो सकेंगे। तो वेब एप्लीकेशन क्या होती है, किस तरह से होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, उसका डिज़ाइन किस तरह से होता है, और तमाम फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन से लेके कोडिंग तक, ये हमारा टारगेट है इंशाल्लाह, और इसको हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वेब एप्लीकेशन का जो है आर्किटेक्चर है और जो डिज़ाइन है वो मैं आप लोगों को बताऊँ, और उसमें जो भी आप लोगों की क्यूरीज होंगी उसको फिर इंशाल्लाह हम क्या कहते हैं जब फेसबुक पे रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी वहाँ पे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में उसको कवर कर भी लेंगे, ठीक है। तमाम लोग जो हैं मैसेजेस के चैट बॉक्स में आके उसको जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, ठीक है। एट द एंड जब सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा तो रिकॉर्डिंग को देखते हुए तमाम लोगों की अटेंडेंस लगा दी जाएगी, और अगर किसी का कोई रीज़न है तो वो मुझे और सीआर को सीसी में रख के जो है वो पर्सनली ईमेल करेगा, सर आई हैव नॉट टेकिंग योर क्लास ऑनलाइन ड्यू टू दिस रीज़न, और फिर मैं उसमें देखूंगा कि वो रीज़न वैलिड है या और क्या चीज़ है। फिर इसी तरह से और जो लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी होगा कि वो विद इन सेम डे या नेक्स्ट डे जो है वो लेक्चर जब अपलोड होगा तो वो अपना लेक्चर को व्यू करके, वॉच करके अपना स्क्रीन शॉट जो है वो मुझसे शेयर करेंगे, और उसमें मैं ड्यूरिंग दिस लेक्चर में कुछ स्टार्टिंग टिल एंड जो है वो बीच बीच में कुछ ऐसे पैरामीटर्स या कुछ ऐसे कोड आपसे शेयर करूंगा जिसके लिए आप लोगों को जो है वो पूरा लेक्चर देखना ज़रूरी हो जाएगा और वो कोड्स आपने शेयर करने होंगे। तो ये आप लोग माशाल्लाह सारे बड़े हैं और सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, किस तरह से आप लोगों ने पढ़ना है, कैसे करना है, मेरी भरपूर कोशिश होगी कि आप लोगों को, अभी मेरे पास अटेंडेंस भी आई थी तो मैं अटेंडेंस यही आप लोगों से तमाम अटेंडेंस जो आप लोग यहाँ पे फिल करोगे, तो इससे पहले जितने लेक्चर्स हो चुके हैं वो स्टूडेंट्स जो कि अभी मेरी सीआर से डिस्कशन भी होगी, वो स्टूडेंट्स जो कि अभी किसी भी अभी तक लेक्चर उन्होंने नहीं देखा तो उसके लिए मैं करूँगा ये, क्या मेरे तमाम प्रीवियस लेक्चर्स के लिए मैं एक असाइनमेंट्स आपसे शेयर करूँगा और वो असाइनमेंट्स कवर कर रहा होगा तमाम लेक्चर्स को, ठीक है। तो वो आप लोगों ने उसको फिल करके सबमिट कराना होगा, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला अटेंडेंस को भी इस तरह मार्क कर लेंगे। तो वेब एप्लीकेशन पे स्टार्ट करते हैं, अपना वीडियो जो है वो ऑफ कर रहा हूँ ड्यू टू कनेक्शन का जो है मसला आ रहा है इसमें। तो आप लोगों को आवाज़ मेरी आ रही है, मैं एक काम स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जब तक स्क्रीन शेयर में इजीली हम लोग वेब आर्किटेक्चर डिज़ाइन को देख लेते हैं। वेब आर्किटेक्चर
तो गाइस ये स्टार्ट करेंगे हम वेब आर्किटेक्चर से, वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। स्टार्टिंग में पहले टू टीयर आर्किटेक्चर हुआ करता था कि एक आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि टीयर्स होती क्या हैं, ठीक है। तो टीयर का मतलब होता है लेयर्स। लेयर्स मींस के जब भी कोई वेब एप्लीकेशन आपकी बनती है तो यूजर किस तरह से उससे इंटरैक्ट करता है। तो वेब एप्लीकेशन बनने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी ज़रूरी होती हैं, तो एक तो वेब एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होता है, जिससे जो कि लोड होता है आपके इंटरनेट ब्राउज़र पे, ठीक है। इंटरनेट ब्राउज़र मींस गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये जो ब्राउज़र्स हैं, ये बेसिकली जो लैंग्वेज समझते हैं वो होती है HTML एंड जावास्क्रिप्ट। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही क्या करती है कि जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने कंटेंट्स अपने शो करा रहा हूँ, तो अगर यही चीज मुझे कंटेंट्स अपने इंटरनेट पे शो कराने हैं तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में अपने कंटेंट को ट्रांसलेट करना पड़ेगा या उसमें कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो HTML के लिए मैं एक सिंपल आपसे लिंक शेयर कर लूंगा, सभी आप लोग जानते होंगे और उसको देख भी लीजिएगा। HTML में तीन चीजें होती हैं, हेडर, बॉडी एंड फुटर। तो किसी भी वेब एप्लीकेशन को अगर आप देखते हैं, तो अगर इस वर्ड को भी देखें तो वर्ड का भी हेडर है और इसकी बॉडी है और इसका एक फुटर होता है। तो फुटर में अगर आप ये देख सकते हैं, तो ये क्या कहते हैं, नीचे जो उसके पेज 101 और जूम इन जूम आउट करते हैं, तो ये इसका फुटर होता है। हेडर में इसकी तमाम और मेन्यूज वगैरह आ जाते हैं, और बॉडी में आप जो भी कंटेंट लिखते हैं वो होता है। तो HTML में भी इसी तरह से हेडर, बॉडी एंड फुटर होता है, ठीक है। ये तो फ्रंट एंड की बात आ गई, जो कि यूजर के पास यूजर जिससे इंटरेक्ट करता है। अब वो जो कंटेंट आपने ओवर द इंटरनेट दिखाना है, तो वेब एप्लीकेशन, दो तरह की वेब एप्लीकेशन होती हैं। एक वो होती हैं जो स्टैटिक होती हैं और दूसरी डायनेमिक होती हैं। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि HTML में आपने टेक्स्ट लिख के सबमिट करा दिया, और वो टेक्स्ट जो है वो स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वंस आपने हार्ड कोड में लिख दिया, कोडिंग करके पेज को ट्रांसलेट करते वक्त आपने उसमें लिख दिया है, अब वो चीज दोबारा से जो है वो चेंज नहीं हो सकती, तो ना ही होगी। तो इस तरह की कंटेंट जो कि स्टैटिक कंटेंट होते हैं, इस तरह की एप्लीकेशन स्टैटिक एप्लीकेशन कहलाती हैं। डायनेमिक एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती हैं जो कि सर्वर से बात करती हैं। अब यहाँ पर बात आती है आपके सर्वर की, और जहाँ सर्वर से बात कर रही हैं तो इसका मतलब है कि सर्वर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, या फिर कोई ना कोई आपके किसी डेटाबेस या किसी फाइल से बात करके आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा होगा यूजर को फ्रंट एंड पे। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को जो सामने आपके नजर आ रही है, थ्री टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, दिस इज अ टीयर थ्री आर्किटेक्चर डायग्राम फॉर वेब एप्लीकेशन, जहाँ पे यूजर जो है पेज एक्सेस किया तो उसकी पूरी एक प्रोसेस फ्लो बताया हुआ है कि किस तरह से उसकी रिक्वेस्ट जो है वो किन किन टीयर से होती भी जाएगी और किस किस तरह से वो रिस्पॉन्ड जो है वो यूजर्स को होगा। मैं बाकी लोगों को भी ऐड करता चला जाता हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो और मैं एक काम ही करता हूँ कि मैं चैट विंडो को भी साथ में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे कि वंस यू एक्सेस, आपने इंटरनेट ओपन किया, इंटरनेट ओपन करने के बाद आपने गूगल क्रोम एक्सेस किया,
देख लेंगे उसको अगर क्योंकि अभी लाइट बिल्कुल नहीं है, मैं इसको क्या कहते हैं अपने हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ, और अगर कोई चीज़ इसमें क्लियर नहीं होती तो मैं जब ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा उसको लिसन करने के बाद अगर कोई चीज़ उसमें रह जाती है तो वो दोबारा से इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे। ठीक है इरफान, ज़रा मुझे बताइएगा वॉइस क्लियर आ रही है? ओके अच्छा, तो वंस टू एक्सेस अगर आप जैसे आप करते हैं कोई वेब एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप इंटरनेट ऑन करते हैं। इंटरनेट ऑन करने के बाद आप कोई सा भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप कोई भी यूआरएल जो है उस जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन करनी होती है उसको आप क्या करते हैं इंटर करते हैं और हिट करते हैं। वंस यू इंटर अ यूआरएल ऑफ अ वेब एप्लीकेशन या किसी भी तो ओवर द इंटरनेट, तो वो करता क्या है, वो रिक्वेस्ट जाती कैसे है, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले पहली बात तो उस रिक्वेस्ट को समझो, रिक्वेस्ट जो है वो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली एक एचटीटीपी इज अ प्रोटोकॉल। जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी काम करते हैं या कोई भी इंटरेक्शन आप करते हैं तो इंटरनेट आपने OSI लेयर्स पढ़ी होंगी, उसमें ये एप्लीकेशन लेयर पे 7 लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। तो उस हर एप्लीकेशन लेयर यानी हर OSI लेयर के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। तो HTTP जो है इज अ प्रोटोकॉल ऑफ एन एप्लीकेशन लेयर, जिसका काम ये होता है कि यूजर की रिक्वेस्ट जो है जहां पर उसका एड्रेस है, यानी के फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं www.google.com, तो HTTP रिक्वेस्ट ट्रांसलेट करता है उस गूगल के पीछे। गूगल इज अ डोमेन नेम जो कि आप परचेज करते हैं आप अपने, क्योंकि बैक एंड पे वो सर्वर की IP एड्रेस होता है, तो उस IP एड्रेस ट्रांसलेट होता है आपके डोमेन नेम में। google.com.pk इज अ डोमेन नेम एंड उसके पीछे उसकी IP एड्रेस होगी। इस सेम लाइक के आप को कोई पार्सल किसी अपने घर के आप एड्रेस बताते हैं तो आप उसको उसके घर का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। इसी तरह से आपकी वेब एप्लीकेशन जो भी आप एक्सेस करते हैं ओवर द इंटरनेट उसके पीछे जो एड्रेस होता है वो उसका IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस इज अ यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो कि आपकी एप्लीकेशन जिस जगह पर होस्ट हुई भी होगी, होस्ट का मतलब यानी कि किसी सर्वर पर रिजाइड कर रही होगी, वहां पे जाके वो उसको लिसन करेगा और जो एप्लीकेशन आपने होस्ट कराई हुई है और जिस तरह से उसको आपने कोड किया हुआ है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगी, और उसका जो भी फ्रंट पेज आपने सेट किया हुआ होगा कि जब भी कोई मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस करे तो उसका फ्रंट पेज रिस्पॉन्ड में जाके दे दो, तो यूजर को यूजर के पास दे दो, तो वो यूजर के इंटरफेस पे जो भी उसने गूगल ब्राउजर या इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स जो है उसने यूज कर रहा होगा तो उस पर ट्रांसलेट हो जाएगा, उसके पर ओपन हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट सबसे पहले Tier 1 के पास गई। Tier 1 इज अ IP सर्विस फ्रंट एंड जो कि एक वेब सर्वर है। उसने Tier 2 इन्वोक किया कंपोनेंट अपनी एप्लीकेशन सर्विसेज को, और देन फिर उसने इन्वोक किया आपके डेटा बैकअप सर्विसेज को जो कि डेटाबेस सर्वर है, और वहां से आपकी इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से देते हैं कि यहाँ पर डेटाबेस अगर सर्वर आ जाता है तो अगर मैं सिंपल google.com.pk खोलूंगा ना तो उस वक्त मुझे ना तो मैं कोई डेटाबेस से बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई अपने क्रेडेंशियल्स अपने शेयर कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई डेटाबेस से कोई चीज फैच कर रहा हूँ। तो उसमें सिर्फ क्या होगा, मेरा सर्वर पे जो फ्रंट पेज होगा गूगल का वो जाके ओपन हो जाएगा, तो उसके लिए सेकेंड टेयर ही मेरी एप्लीकेशन को जवाब दे देगी Tier 1 को। लेकिन जब मैं गूगल जीमेल पे साइन इन करूंगा तो होगा क्या, तो उसमें क्या होगा, मेरा डेटा जो भी मैंने पासवर्ड और अपना ईमेल एड्रेस
एप्लीकेशन सर्वर होगा जहां पे तमाम बिजनेस लॉजिक लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल वहां पे तमाम वो फंक्शंस डिफाइन होंगे कि अगर लॉगिन अगर कोई करता है तो लॉगिन का फंक्शन वहां डिफाइन होगा। इसी तरह से कोई रजिस्टर करता है, साइन अप करता है, तो साइन अप का फंक्शन वहां पे डिफाइन होगा। इसी तरह से कोई इमेज अपलोड करता है अपनी प्रोफाइल, इट इज अ लेयर, इसको हम कहेंगे कि ये सर्वर, वहां पे आपकी एप्लीकेशन का कोड इंस्टॉल्ड है, ठीक है। वो बात करेगी आपके Tier 3 यानी डेटाबेस से, तो मेरे जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा पासवर्ड, वो जाएगा Tier 3 के पास यूजिंग द फंक्शन ऑफ Tier 2। वहां पर वो मेरे डेटाबेस से मेरे रिकॉर्ड्स को सर्च करेगा, और रिकॉर्ड्स को सर्च करने के बाद अगर उसको मेरे लॉगिन पासवर्ड सही मिल जाएगा तो वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि मुझे रिजल्ट्स रिटर्न करेगा। तो रिजल्ट्स ऐसे नहीं है कि वो Tier 3 डायरेक्ट Tier 1 को रिजल्ट कर देगा। Tier 3 में जो डेटाबेस सर्वर होगा वो Tier 2 को रिजल्ट ट्रांसफर करेगा। एंड Tier 2 होगा क्या, क्योंकि Tier 1 जो है, अब आप इस चीज को समझें कि Tier 3 में जो मेरा डेटाबेस है वहां पे जो रिकॉर्ड्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल हैं। टेबल के अंदर मेरे पास रॉज एंड कॉलम्स है, मेरे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। जब वो Tier 2 को प्रोवाइड करेगा डेटा, उस वक्त वो डेटा किस फॉर्म में होगा, आपके टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में होगा। तो Tier 2 उसको ट्रांसलेट करेगा, उस पर वर्क करेगा, और उसको जो है HTML टियर एप्लीकेशन लेयर पे ट्रांसफर करेगा। अब यहां पर बात आती है कि अगर मुझे डेटा के पास पहुंचाना है और यूजर से डेटा ओवर द इंटरनेट अपने पास, अपने वेब सर्वर या अपने डेटाबेस सर्वर के पास लेकर आना है, तो जो फॉर्मेट मैं यूज करूंगा वो फॉर्मेट कहलाता है JSON या फिर XML। हमेशा याद रखें, वेब एप्लीकेशन के लिए कोई भी डेटा आपने अगर ओवर द इंटरनेट, चाहे वो डेटा आपने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए लेकर आ रहे हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन के लिए लेकर आ रहे हो, यूजर से फॉर्म में जाएगी ओवर द इंटरनेट। इसकी मिसाल इस तरह से लें कि आपने यहां से बैठ के हैदराबाद जाना है, कराची से हैदराबाद जाना है, तो आप जिस गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे वो गाड़ी दो तरह की हो सकती है, या तो वो जैसन फॉर्मेट में हो सकती है या फिर वो एक्सएमएल फॉर्मेट में हो सकती है। इस जैसन और एक्सएमएल क्या होते हैं, मैं आपको एक फेसबुक पे एक लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको बता देंगे। जैसा फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपने अपने डेटा को ट्रांसलेट करना होता है ताकि वो ओवर द इंटरनेट सेंड हो सके, और जब वो डेटा Tier 1 के पास पहुंचेगा तो Tier 1 पे वो डेटा, क्योंकि जो ब्राउजर है आपका गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये डेटा आपको, ये जो ब्राउजर्स हैं वो सिर्फ हाइपर देगा HTML के अंदर और देन आपको प्रेजेंट कर देगा। तो ये 3-tier architect आपको जो है वो, इसके बारे में डिटेल्स जो है वो मैं क्या कहते हैं नोट्स की फॉर्म में आपसे शेयर भी कर लूंगा। अगर इसमें कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो आप मुझसे नेक्स्ट उसमें पूछ भी सकते हैं, ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। अब इसके बाद हम आप आ जाते हैं कि अगर मैं इसके साथ साथ अगर आपने वेब एप्लीकेशन, ये तो आर्किटेक्चर हो गया एक वेब एप्लीकेशन का, ठीक है। अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूं तो मोबाइल एप्लीकेशन में क्या होगा, वहां पे होगा क्या, Tier 1 जो होगी वो बेसिकली आपकी क्या हो जाएगी, वो एज अ मोबाइल एप्लीकेशन हो जाएगी। वो बात करेगी एप्लीकेशन सर्वर से, फिर वो बात करेगी आपके डेटाबेस सर्वर से। तो ये चीज आपको क्या कहते हैं, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, तो जब भी वो बात करेगी सबसे पहले वो बात करेगी एप्लीकेशन सर्वर से, एप्लीकेशन सर्वर बात करेगा डेटाबेस सर्वर से, और फिर वो आपको इसी तरह से Tier 2 से होता हुआ रिजल्ट्स आपको रिस्पॉन्ड होगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन में। तो ये तो हो गया आपका आर्किटेक्चर और डिजाइन। अब बात करते हैं कि अगर मुझे अब बात करते हैं कि अगर एक वेब एप्लीकेशन मुझे बनानी हो तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द स्टेप्स टू मेक अ वेब एप्लीकेशन, टू मेक अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि
अगर आप किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो ये होता है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है आपकी। इंफॉर्मेशन गैदरिंग से मुराद ये है कि भाई आपका जो भी वेब एप्लीकेशन बनानी है, या तो वो कोई क्लाइंट आपसे बनवा रहा होगा, या फिर वो आपकी अपने जो सॉफ्टवेयर हाउस हैं वो एप्लीकेशन बेसिकली आपसे बनवा रहे होंगे, ठीक है। तो दोनों सूरत हाल में, या किसी कॉरपोरेट में अगर आप काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहां पे बिजनेस डिपार्टमेंट होता है। वो बिजनेस डिपार्टमेंट जो है वो सपोर्ट डिपार्टमेंट यानी आईटी डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बात करता है कि हमें ये सॉफ्टवेयर बनाना है हमारी इस एप्लीकेशन के लिए। तो तीनों फॉर्मेट में सबसे पहले जो भी डेवलपमेंट टीम होगी या जो भी आपकी क्लाइंट होगा, वो आप उससे ये कहेंगे, या जो भी डेवलपर होगा वो सबसे पहले आपसे ये कहेगा कि भाई मुझे आप अपनी इन्फॉर्मेशन बताएं, कि आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि आप चाहते क्या हैं, क्या चीज़ बनवाना चाहते हैं, वेब बनवाना चाहते हैं, मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं, कैसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, क्या होगा उस सिस्टम के अंदर, ये तमाम चीज़ें आप उससे गैदर करते हैं। तो उसके लिए आप एक क्लाइंट से जो सबसे पहले चीज़ मांगते हैं, वो मांगते हैं जो डॉक्यूमेंट की शक्ल में मांगते हैं, वो मांगते हैं बिजनेस प्रोसेस या बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। इस बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले जो भी क्लाइंट है या जो भी बिजनेस के कितने डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, वो अपने प्रोसेसेस को इनलिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वो ये करेगा, इनलिस्ट करेगा कि मैं एक एप्लीकेशन बनवाना चाह रहा हूँ हमारे एक एग्जांपल अगर हम इस यहाँ पर ले लें होटल मैनेजमेंट की, या फिर किसी रेस्टोरेंट की, कोई भी एक एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे किसी मिनी रेस्टोरेंट की ना, तो रेस्टोरेंट हम सब जाते रहते हैं और वहाँ पे चीज़ें डाइन इन भी करते हैं, टेक अवे भी करते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, सब उसके प्रोसेस से वाकिफ होंगे हम यहाँ पर। अगर अगर आपको कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि आप हमारे लिए वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं, तो उसके लिए हम किस तरह से उससे बात करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें उससे चाहिए होंगी, और क्या क्या चीज़ें हम उसको देंगे बनाकर इन दी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट की शक्ल में, और फिर हमारा क्या स्टेप होगा, हम अपनी टीम को किस तरह फॉर्म करेंगे, हमारे टीम्स में कौन कौन से मेन प्लेयर होंगे, यानी फ्रंट एंड डिजाइनर होगा, बैक एंड डेवलपर होगा, फ्रंट एंड डेवलपर होगा, फिर इसी तरह से आपका क्या कहते हैं क्यूए के लिए एक टेस्टिंग टेस्टर होगा, ठीक है। तो और हमारी टीम में कौन कौन से होंगे, उनकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इस चीज को हम तमाम चीजों को लेके देखेंगे, और इंशाल्लाह फिर जब एप्लीकेशन बनेगी तो एप्लीकेशन के एंड पे क्या क्या मेन चीजें होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे लॉग इन होता है, साइन अप होता है, फिर रोल्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, फिर आपके मुख्तलिफ एडमिन पैनल होता है, फिर यूजर पैनल होता है, और फिर एडमिन पैनल में क्या क्या चीजें होती हैं, यूजर पैनल में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से एक फॉर्म से डेटा दूसरे फॉर्म में जाता है, ये कंप्लीट जो है वेब सॉल्यूशन या मोबाइल सॉल्यूशन हम देख रहे हो, ठीक है। तो आपने क्लाइंट से सबसे पहले क्या ले लिया, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपने उससे ले लिया कि भाई मुझे आप अपना बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। ये क्या चीज होती है, ये जनाब आप ये उससे जो है ना वो मीटिंग करके आप, वो जाहिर सी बात है उसको तो चीजें नहीं पता होंगी, तो आप उससे मीटिंग करते हैं और आप उससे बाज जगह पर आप ये खुद डेवलप करते हैं क्लाइंट से मीट करके, और बाज जगह पे क्लाइंट आपको एक सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देता है, और ये बड़ा जरूरी होता है कि हम क्लाइंट से एग्री कराएं कि भाई जो हम बनाने जा रहे हैं आप ये ऐसा ही चाहते हैं, उसमें यही रिक्वायरमेंट चाहती हैं, ताकि कल को क्लाइंट जो है वो बैकफायर ना कर सके। अच्छा, ये साथ में मुझे ये भी करना पड़ेगा भाई,
ठीक है, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपने जो है वो क्या, इसमें क्या क्या चीजें होंगी अगर मैं इसको देखा जाए तो इसमें किस तरह से चीजें होंगी? इसमें आप इसकी इसका मैं आप लोगों से ना टेम्पलेट भी शेयर करूँ कि मेरा स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब यह है कि मैं क्या चीजें कवर होंगी। स्कोप में आप बताएंगे कि मैं ये जो है वो एक वेब एप्लीकेशन होगी, इसमें मैं मोबाइल ऐप भी रखूंगा, ठीक है, और इसमें जो है वो ये चीजें एक बेसिक स्कोप के मेरे लिए एक किसके लिए होगी, फॉर माई रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये तो आपने स्कोप बता दिया, फिर आप क्या बताएंगे दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज होगी प्रोसेस डिटेल्स, ठीक है, कि प्रोसेस क्या क्या होंगे। अब मैं प्रोसेस क्या, अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए सबसे में क्या होगा, साइन अप होगा, ठीक है, अगर इसमें साइन अप होगा, साइन अप के बाद लॉगिन होगा, उसको मेन्यूज शो होंगे, मेन्यूज में क्या क्या होंगे वो भी बता देता हूँ, ठीक है, मेन्यूज होंगे, कॉन्टेक्ट अस होगा, ठीक है, और ऑर्डर प्लेसमेंट का होगा, ठीक है, और उसको और क्या होगा, उसकी प्रोफाइल होगी, यूजर प्रोफाइल होगी, ठीक है, यूजर प्रोफाइल होगी, ठीक है, ये प्रोसेस डिटेल्स आपने उसको बता दी, ठीक है, उससे या तो आपने पूछ ली या उसने आपको बता दी। यूजर प्रोफाइल के बाद अब आप आ जाते हैं, ये आपने क्या कहते हैं प्रोसेस डिटेल्स हो गई, इसके साथ साथ और क्या बता सकता है, और आप उससे पूछेंगे कि और आपको क्या क्या चीज चाहिए। अभी तो इसके अंदर सारी डिटेल्स भी होंगी, प्रोसेस ये तो साइन अप है ना, तो साइन अप में क्या होगा उसकी पूरी डिटेल्स आ रही होंगी। अब उसमें किस तरह से होता है, उसमें तीन चीज होती हैं कि यूजर इंटरफेस और सिस्टम रिस्पॉन्स। वो आप बेसिकली अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में क्लाइंट को इतना नहीं पता होता, क्लाइंट टेक्निकल नहीं होता है, वो आते जा रहे हैं तो वो कॉर्पोरेट होते हैं, तो बकायदा ये सारी चीजें बताते हैं कि यूजर इंटरफेस पे ये चीज नजर आनी चाहिए, यूजर ये क्लिक करे या ये अगर वो फंक्शनैलिटी पे चाहे तो सिस्टम उसको ये रिस्पॉन्स करे, ठीक है। और बाज़ुकात अगर क्लाइंट को इस चीज का नहीं पता होता, इतना टेक्निकल नहीं होता, तो फिर आप उसके साथ बैठना होता है और आप उसे पूछते हैं कि आप इस इंटरफेस में क्या चाह रहे होंगे और सिस्टम से आपको क्या सिस्टम, फिर आपने खुद सोच के सिस्टम रिस्पॉन्स लिखना होता है, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारे पास जो डॉक्यूमेंट बनता है वो बनता है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अच्छा जनाब, तो और ये ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में बेसिकली आप क्या बताते हैं, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है कि उसके अंदर आप सिस्टम के फंक्शनैलिटीज को लिखते हैं। फंक्शनैलिटीज से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं साइन अप और लॉगिन की डिटेल्स की मैं बात करता हूँ, प्रोसेस की बात करता हूँ, तो उसमें मेरा क्या फंक्शन होगा, एक फंक्शनैलिटी होगी जो कि यूजर को रजिस्टर करा रही होगी और यूजर को साइन इन करवा रही होगी, ठीक है, तो उसकी फंक्शनैलिटीज की यहाँ पे डिटेल होती है। और फिर इसके साथ यानी कि इसमें कोड नहीं होता है लेकिन फंक्शन के नेम आते हैं, फंक्शन क्या इनपुट लेगा, उसको रिजल्ट्स में क्या मिलेगा, ये चीजें होती हैं। फिर आता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट,
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में क्या होता है, बेसिकली ये आपका डेवलपर बनाता है। डेवलपर जब वो कोड कर रहा होता है तो वो क्लास में ये ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ये डॉक्यूमेंट अपडेट होता रहता है, और एट दी एंड फिर ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेवलपर की होती है। साथ साथ में वो जो है वेब सर्विसेज लिखता जाता है वो आपके उसके कोड के, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये तीनों चीजें बन गई, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी क्या चीज होती है, मैं बेसिकली एक पूरा फ्लो बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स होंगी और किन किन चीजों से होके गुजरेगा। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ गए हैं, एजाइल मेथोडोलॉजी यूज होती है, वाटरफॉल होती है, वो भी मैं किसी लेक्चर में डेफिनेटली उसको कवर कराऊंगा, ठीक है। और ये प्रोसेस कस्टमाइज भी हो सकते हैं, लेकिन जो जनरली फॉलो हो रहे होते हैं वो आजकल तो एजाइल और स्क्रम यूज हो रहे हैं। तो एजाइल इज अ फ्रेमवर्क और स्क्रम इज अ बेसिकली मेथोडोलॉजी जो कि यूज होती है, यूज हो रही है आजकल बहुत ज्यादा। उस पर डेफिनेटली मैं एक छोटा सा लेक्चर में जरूर उसको कवर करूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर जब वो चीज आप फिर क्या कहते हैं मॉकअप डिजाइन, अच्छा ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई ना, फिर आप क्या करते हैं जब आप बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है तो फिर आप एक मॉकअप डिजाइन बना के क्लाइंट से एग्री करवाते हैं कि भाई ये हम स्क्रीन्स हमने बना ली हैं, उसके बकायदा जो है वो आपके पास मुख्तलिफ टूल्स होते हैं उनके थ्रू आप जो है वो डिजाइन बनाते हैं कि ऐसा डिजाइन आप चाह रहे हैं, ये कलर आप चाह रहे हैं, ऐसा इंटरफेस आप चाह रहे हैं, ये पेजेस होंगे, मेन्यूज इस तरह से शो होंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं कंटेंट इस तरह से आएगा, फुटर फुटर ऐसा होगा, हेडर ऐसा होगा, ये तमाम चीजें आप उसको मॉकअप डिजाइन में क्लाइंट को बना के भेजते हैं और फिर क्लाइंट से एग्री करवाते हैं कि आपको यही चीज चाहिए, ऐसे ही चाहिए। जब वो आ जाता है तो फिर वही मॉकअप डिजाइन करके जो है उसके HTML आप फ्रंट एंड डेवलपर को देते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर बेसिकली उस डिजाइन पर अपना HTML कोडिंग करता है, CSS की स्टाइलिंग करता है, एनिमेशंस अगर कहीं चाहिए होती है तो जावास्क्रिप्ट jQuery यूज करता है। फ्रंट एंड डिजाइन हो जाता है, फिर वो बैक एंड डेवलपर को दिया डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके उसके साथ उसको इंटरैक्ट करता है, उसको इंटीग्रेट करता है। अच्छा, यहाँ पर बैक एंड डेवलपर अगर डेटाबेस से बात करने के लिए ना, वो दो काम करता है, या तो वो वेब सर्विसेज यूज करेगा या फिर डायरेक्ट वेब पेज में क्यूरी करेगा विद डेटाबेस। अब ये क्या होता है, इनलाइन क्यूरी अच्छा जनाब, ये बिल्कुल इरफान, आपका आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है सर, कभी एकदम फास्ट हो जाती है, कभी बहुत स्लो हो जाती है ठीक है, छूट हो गया। सर नहीं, वॉइस क्लियर। वेब आर्किटेक्चर और ये जो प्रोसेस फ्लो होता है जो भी, तो बड़ा मेरे लिए एक माइलस्टोन अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मॉकअप डिजाइन जो है वो बैकएंड डेवलपर को दिया जाता है। बैकएंड डेवलपर जो है वो बिजनेस लॉजिक लेयर
बिजनेस लॉजिक लिखता है। अच्छा बिजनेस लॉजिक क्या होती है? बिजनेस लॉजिक बेसिकली ये मेथड्स ही होते हैं, या तो वो वेब सर्विस की फॉर्म में लिखेगा या फिर वो जो है वो क्लासेस की फॉर्म में डायरेक्ट वेब डेवलपमेंट में या पेजेस में ट्रांसलेट कर रहा होगा। ठीक है, तो वही बिजनेस लॉजिक होती है। बिजनेस लॉजिक वो होती है जो कि क्लाइंट ने जो भी प्रोसेस बताया होता है, फॉर एग्जांपल साइन अप करने के लिए यूजर से उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम और ये चीजें आपने लेनी है। तो ये एक बिजनेस लॉजिक क्या होगी साइन अप की, कि यूजर से आपने ये चार इनपुट्स लेने हैं, चार से पांच इनपुट्स लेने हैं और उसे डेटाबेस के जो भी आपका साइन अप का टेबल होगा उसके अंदर आपने इंसर्ट करा देना है। तो ये बिजनेस लॉजिक होती है। ठीक है, तो वो उसको ट्रांसलेट करेगा किसी भी वेब सर्विस में या फिर किसी वेब पेज के अंदर। अच्छा ये वेब पेज के अंदर क्या है और ये वेब सर्विस में क्या है, जब हम इंशाल्लाह कोड करने जा रहे होंगे तो हम फिर उसमें देखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, जब वो चीज लिख लेगा तो वो फिर किसको बताएगा। अब यहाँ पर एक चीज, जब फंक्शनैलिटी डेवलप हो जाएगी तो वहां पर टेस्टर जो है वो अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करेगा। अच्छा, पर ये जो टेस्टर होता है वो सब ज्यादातर डेवलपर खुद से जब अपनी कोई भी फंक्शनैलिटी बिल्ड करेगा तो वो जो कि आपने डेवलपर खुद अपने लिए चेक करता है कि जो मैंने फंक्शनैलिटी बिल्ड की है वो सही बिल्ड सही चल भी रही है कि नहीं सही चल रही है। ठीक है, उसके बाद वो टेस्टर को दे देता है। टेस्टर उसमें मल्टीपल मुख्तलिफ चीजें से टेस्टिंग करेगा। वो टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज क्या होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, फिर उसमें क्या कहते हैं टेस्टिंग की भी टाइप है, स्मोक है, स्ट्रेस है, लोड है, रेग्रेशन है, ये तमाम वो टेस्टिंग जो है एज पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रोडक्ट की या किस एप्लीकेशन की टेस्टिंग करता है। तो उसके हिसाब से वो जो है ना अपनी टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज और टेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई कर रहा होता है। वंस टेस्टर जो क्यूए होता है, क्यूए पास कर देता है, वो चीज फिर आपकी कहाँ चली जाती है, फिर वो गोलाई हो जाती है। अब यहाँ पर वो क्लाइंट को विजिबल हो जाती है। ठीक है, चीज आपकी गोलाइव हो गई है, आपने जो भी क्लाइंट से समझा था, जो भी प्रोसेस था उसको आपने उसके फंक्शन, उसका बीआरडी आपने एग्री करवाया, उसके बाद उसका फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपने बनाया, डेवलपर ने जो भी बिजनेस लॉजिक लिखी उसको उसने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में कवर किया, मॉकअप डिजाइन जो आपने क्लाइंट ने प्रोसेस आपको बताया था उस पर आपने उसका जो इंटरफेस अपने ग्राफिक डिजाइनर से बनवा कर एक मॉकअप डिजाइन बनाकर आपने क्लाइंट से एग्री करवाया, वो मॉकअप डिजाइन फिर आपने फ्रंट एंड डेवलपर को दिया, फ्रंट एंड डेवलपर ने उस पर उसको ट्रांसलेट किया HTML में, जावास्क्रिप्ट में, फिर वहां से वो डिजाइन बैक एंड डेवलपर ने जो भी फंक्शनैलिटी लिखी थी उसको उसके साथ इंटीग्रेट किया फ्रंट एंड से, और फ्रंट एंड से इंटीग्रेट करने के बाद उसने टेस्टर को दे दिया। टेस्टर ने सबसे पहले क्या करा, उसने मुख्तलिफ टेस्ट, अच्छा डेवलपर ने टेस्टर को देने से पहले खुद एक यूनिट टेस्ट परफॉर्म किया, और फिर जब टेस्टर ने के पास वो चीज चली गई, टेस्टर ने उसको टेस्ट किया मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज के साथ, फिर उसने उसको पास करके जो है वो प्रोडक्शन लाइव एनवायरमेंट पे गो लाइव कर दिया। अब ये तो है प्रोसेस, इसके अंदर आपने देखा कि क्लाइंट भी मौजूद है, आपकी पूरी वेब डेवलपमेंट की टीम है, वेब डेवलपमेंट की टीम में कौन कौन होते हैं, मेन आपका डेवलपर होता है, अच्छा इस और आपका कोऑर्डिनेटर होता है, कोऑर्डिनेटर को ज्यादातर यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि क्लाइंट से डील कर रहा होता है। अच्छा यहाँ पे भी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज होती हैं, कहीं पे क्लाइंट्स को जो है वो आपने जो क्लाइंट का जो आर्किटेक्चर होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड सुना होगा डेवऑप्स का, ये बेसिकली आजकल की न्यू टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज हो रही है, डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को मिला के एक फील्ड बनाई है डेवऑप्स की। इसका काम क्या होता है, ये वो बंदा होता है जो कि क्लाइंट से डील भी करता है और क्लाइंट के एनवायरनमेंट में जाके डिप्लॉयमेंट करता है। फॉर एग्जांपल जो भी आपने प्रोडक्ट बनाई है वो जो भी प्रोडक्ट बनी है वो क्लाइंट कहता है कि आप मेरे पास सर्वर मौजूद हैं मेरे ऑफिस में, आप अपना बंदा भेजें और वो सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे सर्वर पे आप इंस्टॉल करें और डिप्लॉय करें,
इसको मैं अपने इंटरनली चलाना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसके लिए बकायदा एक डेडिकेटेड फील्ड इन्होंने बना दी है और उसको नाम दे दिया डेवऑप्स का. अच्छा, डेवऑप्स क्लाइंट डील भी करता है और ये तमाम चीजें भी करता है. फिर आपने देखा कि आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस की टीम होती है, आपके पास डेवलपमेंट की टीम होती है जिसमें फ्रंट एंड डेवलपर होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर होता है, और आपके पास एक ग्राफिक डिजाइनर होता है. तो ये 5 से 6 लोगों की जो है वो आप टीम के साथ मिलके, इसमें जो की प्लेयर्स होते हैं वो एक बैक होते हैं, और इसमें मेन किरदार प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है जो कि पूरी टीम को लेके चल रहा होता है, टास्क डिफाइन करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की मेथोडोलॉजीज या एजाइल या स्क्रम वो यूज कर रहा होता है, और उसके बिहाफ पर वीकली, मंथली, क्वार्टरली क्लाइंट को अपडेट दे रहा होता है कि आपका ये प्रोजेक्ट इस स्टेटस पर है, इतना कवर हो गया है. अगर क्लाइंट की कोई नई रिक्वायरमेंट होती है, कोई चेंज वो करवाना चाहता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो वो उसको एड्रेस करवा रहा होता है, डेवलपर से करवा कर दोबारा से क्लाइंट को बता रहा होता है. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज वेब आर्किटेक्चर डिज़ाइन समझ लिया है, और उसमें जो भी क्यूरीज होंगी आप मुझसे क्या कहते हैं शेयर कर लेना, और ताकि फिर मैं उसको दोबारा से बता सकूं. इसमें कुछ वीडियोस होंगी इंशाल्लाह, वो वीडियोस भी मैं फेसबुक पे डालूंगा. आप लोगों की तरफ से मुझे ये क्या इनपुट चाहिए, मुझे ये इनपुट चाहिए कि आपने इस कोर्स को, अगर बाकी कोर्स, हर कोर्स की अपनी अहमियत है, लेकिन ये कोर्स जो है अगर आपने इसको सही दिल से परफॉर्म कर लिया, तो इंशाल्लाह ताला आप जब किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे या किसी कॉरपोरेट इंडस्ट्री में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे कैसे काम होता है, या इंटरव्यू में आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बेसिक्स पता होंगी, और बाकी आप लोगों की अपनी स्किल्स पर है, आप लोगों की अपनी सेल्फ लर्निंग पर है. मेरे पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउस में किस तरह से इंटरव्यूज लेते हैं, क्या क्या वो क्वेश्चन पूछते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे क्वेश्चनर्स मौजूद हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा, मगर वो एंड का पार्ट है, ताकि आप लोग का मेन फोकस इस पर हो, और मैं उसको देखते हुए साथ ही आप लोगों को ये चीज भी कवर करा रहा हूँ, ठीक है? तो इरफान, फिर आज की क्लास को हम इंशाल्लाह ताला यहीं कंक्लूड करते हैं. आप इसको अपलोड करके जो है वो क्या कहते हैं जल्द से जल्द फेसबुक पे शेयर करें, और मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी इंशाल्लाह ताला फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो मैं शेयर कर लूँगा, क्योंकि हमारी अच्छी खासी क्लासेस इंट्रोडक्शन की बेसिक हो भी गई हैं, और आज जो हमने पढ़ा है इस पर जो है वो अच्छा यार, बहुत शुक्रिया. तलहा जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस में, तो वो यही बता रहे हैं कि सर यही स्टेप्स होते हैं. अगर मैं चाहता हूं कि जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो फ्रंट एंड पर आए, वो इस वक्त मैं उन लोगों को एडिशनल 5 मार्क्स दूंगा एडिशनल, जो लोग इस वक्त सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं या डेवलपमेंट की टीम में है या क्यूए की टीम में है या फ्रंट एंड डिजाइनर है या फ्रंट एंड डेवलपर है या बैक एंड डेवलपर है, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करें और मैं उनके उनसे सेशन करूंगा, उनका इंटरव्यू करूंगा, और फिर मैं उनसे वो उन लोगों को मैं तमाम जो हमारा है, तमाम जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के सामने उनको प्रेजेंट करूंगा, और जो भी क्यूरीज होंगी वो मेरे मुझे मेरे साथ साथ आप अपने इन फ्रेंड्स के साथ भी पूछ के कर सकते हैं, और ये लोग जब जो भी फैसिलिटेट करेंगे स्टूडेंट्स को, तो एट द एंड मैं एक फीडबैक फॉर्म भी फिल करवाऊंगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं उनको फिर एडिशनल 5 मार्क्स दिए जाएंगे, ताकि यार हम सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जल्द से जल्द और स्पीड होके सीख सकें, और ये जो बच्चे होंगे जो कि पढ़ाएंगे सिखाएंगे दूसरों को भी, यकीन जाने आप लोगों के इल्म में अल्लाह ताला बेहद इजाफा फरमा देगा जब आप दूसरों को बेलॉस और बेमतलब आपके कोई भी चीज़ बताएंगे तो, इंशाल्लाह ठीक है. तो आज की क्लास को फिर हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन के लिए इंशाल्लाह मैं शेयर कर लूंगा, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट सेशन से पहले पहले मैं किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करूंगा जब तक
तक के वो मुझे असाइनमेंट नेक्स्ट सेशन का सबमिट नहीं, यानी इस सेशन का सबमिट नहीं करा देगा नेक्स्ट सेशन से पहले पहले, तब उसको मैं जो है वो अपनी क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास, तो इस बात का ख्याल रखो पहला असाइनमेंट देने जा रहा हूँ सकते हैं, और सीआर से भी पूछ सकते हैं, और जो है वो जो स्टूडेंट्स मैं हाईलाइट करूंगा उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।